अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स ब्लॉग्स। मैथ्स ब्लॉग्स की जानिब से फिर एक बिज़नेस आइडिया के बारे में आपसे वीडियो शेयर करने वाले हैं आज। तो उस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मास्क जो आजकल कोरोना की वजह से बहुत ट्रेंडिंग बिज़नेस है, जो मास्क है डोरी वाला, उसकी डोरी कैसे तैयार होती है। तो हम आपको बताएंगे कि वो डोरी किस किस्म की होती है और किस तरह तैयार होती है, उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे। ये हैं हमारे इस फैक्ट्री के ओनर रज़ा साहब, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे तमाम प्रोसीजर के मतलब, और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कारोबार कितने से शुरू हो सकता है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं रज़ा साहब से इस कारोबार के मतलब, जितने भी सवाल जवाब हैं और आपको इनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, क्या हाल है? तो आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं इस बिज़नेस के बारे में सवाल जवाब करने के लिए। तो हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं उन तक ये बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पहुँचाएँ, तो हमें बताएं कि ये मशीनरी जो है इससे डोरी तैयार होती है या और भी कोई चीज़ तैयार हो सकती है? नहीं, इससे ना सिर्फ डोरी तैयार होगी मास्क की जी। तो ये कराची का बना हुआ फ्रेम, ये वाला भी वही, ये वाला भी जी। ये कराची से ही अवेलेबल है, इधर नहीं है जी। तो नंबर दो तो इससे सिर्फ मास्क की डोरी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। तो मास्क डोरी का जो आपका प्रोसीजर है मुकम्मल, धागा का शुरू से आप कैसे इसकी जो प्रोडक्शन है वो करते हैं, धागा लेके आते हैं या क्या है, वो आज हमारे व्यूवर्स के साथ नहीं, हमने सबसे पहले धागा लेना होता है मार्केट से और उसके बाद लैकरा। तो जब इधर आते हैं तो हमने ऊपर ये धागा लगा देना है इसके ऊपर जी, और ये लैकरा चलता है ये वाला जी। तो ये दोनों को जितना ये धागा ये लैकरा ये दोनों आपस में मिल के ना जी, तो ये देखना ये आपस में मिल के ना जी। तो जब ये अब तो बंद है, आपने शोर की वजह से बंद करवा दी, आपस में जब चलते हैं ना तो इसमें ये चार सुइयां हैं जी। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की बनानी है तो ये चार सुइयों पे ही बनेगी जी। अगर आपने कोई लो क्वालिटी पे बनानी है तो 6 पे और 8 पे जी, 5 पे और 7 पे नहीं बनेगी ठीक। तो ये फिर गोल नहीं बनेगी ऐसे, हम 4 पे बनाते हैं। तो सारा अगर मास्क हमारा इस डोरी पे तैयार होता है ना जी, तो सारा दिन कान पे लगा भी रहे ना मास्क जी, तो वो उसके कान में दर्द नहीं होगी। जैसे पीछे निशान आ जाते हैं ना, दर्द करने लग जाता है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, हमारा मास्क सारा दिन लगा रहे ना जी, तो उस पे कान नहीं दर्द होगा। ये देखना मैं आपको दिखाता हूँ, जरा कैमरा जरा लाना थोड़ा सा आगे। अब ये देखना ये 7 इंच का पीस है जी, ठीक है ना। हम इसको खींचेंगे ना तो ये देखो ट्रिपल हो गया जी, 7 इंच का। तो व्यूअर्स इसकी जो क्वालिटी आपको रज़ा साहब बता रहे हैं कि इसको ये डोरी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और ये जो है इसकी जो इसमें स्ट्रेंथ है इसकी डोरी की काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जब कान में दुखने लग जाते हैं, अक्सर आपने जो लो क्वालिटी के मास्क यूज़ किए होंगे तो उससे कान दुखने लग जाते हैं, ये जो डोरी है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, इससे वो चीज़ नहीं होगी, कान में दर्द नहीं होगा। और इसके अलावा इसमें कलर कौन कौन से होते हैं? कलर हम डिमांड पे बनाते हैं, ये ब्लैक कलर देखना ये बना हुआ है, ये ब्लैक कलर की मास्क, ये ब्लैक मास्क को ही लगेगी जी। ये ब्लैक और वाइट कलर यानी कि डिमांड पे ये तैयार करके देते हैं, ये ब्लैक कलर की डोरी है जो इन्होंने यहाँ पे तैयार की है और बाकी वाइट चल रही है सारी। अगर ब्लैक होती तो मैंने दिखानी थी, ये ब्लैक सुबह हमने उतारी है, डिमांड है सिर्फ वाइट की और ब्लैक की। तो इसके अलावा आपके पास जो मार्केट से ये धागा और ये जो लाइक्रा कह रहे हैं आप, ये क्वांटिटी कितनी में लेके आते हैं, और अगर आपने आपसे किसी ने ये डोरी वगैरह खरीदनी हो तो आप होलसेल रेट पे किस क्वांटिटी में उनको देंगे? सबसे पहले ये है कि ये मशीनें लगानी तो कोई बात नहीं है, इतना खर्चा नहीं है इनका जी। और ये 1.5 लाख की ये है और 1.5 लाख की ये है, दोनों मिला के 3 लाख की हैं मशीनें। तो इसके ऊपर वो लैकरा और धागा जो माल इसमें डलता है वो ये होगा कि 2 लाख का जी, 5 लाख में कारोबार शुरू होता है। लेकिन इससे सबसे पहले ये है कि आपकी मार्केट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डोरी बना के रख लेते हैं सेल किधर करनी है? सबसे पहले अपनी मार्केट मार्केट को देखना कि हम मार्केट में ये डोरी सेल कर सकते हैं, ये नहीं कि डोरी बना के रख लें जी तो फिर देखो कि हमने सेल किधर करनी है। आप जिसके पास भी जाते हैं वो कहे कि मैं ऑलरेडी पहले ही ले रहा हूँ जी,
तो फिर किसको देंगे? सबसे पहले आप अपनी मार्केट को हैंडल करें, मार्केट देखें, यूनिट पे जाएं, विजिट करें, लोगों को मिलें, बताएं कि हम ये डोरी सेल करते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि हम सारा दिन फ्रेम चला के हम डोरी ये मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो फिर ये फ्रेम लगाएं। कोई इतनी अमाउंट के ही नहीं तो लगते। रजा भाई, जो लोग ये मशीनें लगा के मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो इस कारोबार को किस लिहाज से कर सकते हैं? यानी आपसे डोरी खरीद सकते हैं वो, या बनी बनाई डोरी लेने के बाद मार्केट में वो सेल कर सकते हैं, मास्क तैयार कर सकते हैं, किस तरह वो कर सकते हैं जो मशीनें लगा के मार्केटिंग नहीं कर सकते? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये डोरी खरीदना चाहता हूँ, तो आप इसको मुझे किस तरह देंगे? ये गज़ों के हिसाब से, मीटर के हिसाब से देंगे, या तोल के? केजी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो हम ये सेल करते हैं मार्केट में। अक्सर मार्केट में ये डोरी ना 800 850 रुपए सेल हो रही है, लेकिन हम देते हैं 700 रुपए पर केजी। पर केजी तो 700 रुपए इसलिए देते हैं कि हमसे ज़्यादा ब्रोकर लोग हैं जो हमसे खरीद के आगे सेल करते हैं, हम उसको ही बेनिफिट देते हैं। अगर हमने उसको बेनिफिट नहीं देना, हमारी डोरी नहीं सेल होनी। यानी दो तीन मैं एक आम बंदे की, ये आप ब्रोकर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ कि वो आपसे डोरी लेके किस तरह मार्केट में सेल कर सकता है, या वो मास्क तैयार करने के लिए ले, आप उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को दे दें। तो व्यूअर्स, हम यूनिट से बाहर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी थी। अब हम बाहर यहाँ पे आके जो कुछ सवाल बाकी हैं इस पार्ट के, पार्ट वन के, तो हम वो करते हैं रजा भाई से। तो रजा भाई, हमें ये बताएं कि मार्केट से जो आप डोरी पर केजी के हिसाब से सेल करते हैं, तो उस पर एक किलो में कितने मास्क तैयार हो सकते हैं? 1 kg ये वज़न में बहुत हल्की होती है जी, जो हम बनाते हैं। लोगों की अगर डोरी हम लेते हैं ना, तो वो बनती है कोई 1 kg 1 kg में कोई 3500 या 3600 पीस लगते हैं जी। जो हमारी 1 kg डोरी है ना, हमारी बनती है 5500-6000 के दरमियान लगती है। तो भी बस 1 kg जो डोरी है, इनसे परचेज़ करने के बाद मास्क की जो पंचिंग में मास्क तैयार होता है, वहाँ पे आप तकरीबन 5000-6000 मास्क तैयार कर सकते हैं। तो रजा भाई, जो एक आम बंदा मार्केट में आपसे डोरी खरीद के लेके जाता है, तो वो कैसे इसको इस्तेमाल में ला सकता है, कैसे इसका कारोबार कर सकता है, और इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? एक कम इन्वेस्टमेंट वाले बंदे को आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दें कि कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू कर सकता है वो। सही है, वो ये है ना कि अगर कोई एक आम बंदा जिसने पहले ये कभी काम ना किया, वो हमसे अगर डोरी लेता है ना, वो मार्केट जाएगा, जैसे टाटा मार्केट है, कायद आजम मार्केट, जिनाह कलोनी, उधर जा कर अपना सैंपल दिखाएगा कि हम ये डोरी बनाते हैं, लेकिन वो बनाता नहीं है, वो हमसे लेता। हम उसको रेट ही ऐसा देंगे कि अगर वो हमसे 20 kg डोरी भी लेता है ना, तो उसको एक महीने का महाना कोई 35,000-40,000 मिल सकता है, अगर थोड़ी सी वर्किंग, इतनी वर्किंग। तो इन्वेस्टमेंट उसको कितनी करनी पड़ेगी? उसको यही है कि उसको कम से कम हमसे ना, एक एक तो एक होता है ना कि हम डोरी बना रहे हैं, हम भी मार्केट से धागा लेकरा नगद लेते हैं, तो हमने भी आगे से उससे नगद। उसको अगर 20 kg डोरी लेनी पड़ती है, तो उसको कम 14,000 या 15,000 चाहिए इससे डेली। इससे कम इन्वेस्टमेंट करके भी कोई काम कर सकता है? तो वो यही है कि अगर वो हमसे फिर 10 kg लेना शुरू कर दे, 10 kg लेगा वो 7,000 की बनती है, तो आगे से 7,000, वो आगे से ये है कि वो 800 रुपये, और अगर आप उसने मार्केट अपनी अच्छी करनी है, वो 750 रुपये भी सेल कर सकता है। तो भी बस, जैसे कि आपने सुना है, रजा भाई ने आपको बताया कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 7,000 से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। यानी इनसे आप रابطہ करके, इनका मैं आपको नंबर नीचे स्क्रीन पे दे देंगे हम, तो आप इनसे रابطہ करके इनसे कम से कम 10 kg डोरी जो है वो 7,000 रुपये में ख़रीद के आगे मार्केट में टाटा बाज़ार या कुछ भी शॉप से, जो इससे रिलेटेड शॉप्स हैं, वहाँ पर जाके इसकी मार्केटिंग करके आप सेल कर सकते हैं, और महाना तकरीबन 30,000-35,000 रुपये ईज़िली कमा सकते हैं। तो रजा भाई, आपसे एक सवाल करना था कि अगर कोई आपसे आपके साथ मिलकर कारोबार करना चाहे ये मास्क डोरी का, तो आपसे कैसे रابطہ कर सकता है? आप अपना नंबर या एड्रेस वगैरह जो हैं वो दे दें, हम स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे ताकि लोग आपसे रابطہ कर सकें। ये फैसलाबाद में आने, इधर यूनिट पे आने का तरीका ये है कि इसका एड्रेस ये है कि फैसलाबाद समनाबाद में ना नया फाटक आता है गेट नंबर 3, और उसके साथ ही रहमानिया डेयरी है, ब्लॉक नंबर 34। तो ये हाउस नंबर है 1980। तो
आके मैं अपना नंबर अगर आप स्क्रीन पे शो कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप, मैं अभी बोल भी देता हूँ तो मेरा नाम अमीर रजा है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 03068801717। इसको सही तरह एड्रेस नहीं भी पता चलता तो वो हम स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। आपका व्हाट्सएप नंबर भी यही है? हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। ठीक है, हम व्यूवर्स को वो स्क्रीन पे मेंशन करके दिखा देंगे ताकि वो इजीली आपसे रابطہ कर सकें। और आप आउट ऑफ सिटी भी ये काम करते हैं, ये सिर्फ लोकल फैसलाबाद में ही आपका काम है? नहीं, हमारी मार्केटिंग आउट ऑफ सिटी फैसलाबाद से ज़्यादा के बाहर माल भेजते हैं हम। हमारी बिल्टी रोड़ी भी जाती है, कसूर भी, लाहौर भी, और बूढ़े वाला, और एक और भी रहीम यार खां। वो यही कहते हैं कि रज़ा भाई मुझे 20 किलो डोरी 2-3 दिन बाद भेज देना, तो वो उसी टाइम उन्होंने या जैद कैश या मेरे अकाउंट में पैसे लगवा देने होते हैं। उसको बाद जब मैं बिल्टी करवाने जाता हूँ, जो बिल्टी की रसीद होती है ना, वो उसको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। तो अगर वो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 5 घंटे बाद, जितना सिटी का सफ़र हो, तो वो माल पहुंच जाता। तो यानी आप जैज कैश के ज़रिए जो पैसे मंगवा लेते हैं और माल बिल्टी करवा देते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो बाहर के शहरों के जो व्यूवर्स हैं वो आपसे माल बिल्टी करवा सकते हैं इजीली आपका नंबर देख के। हम स्क्रीन पे वो आपका नंबर दे देंगे और एड्रेस भी दे देंगे, तो लोग आपसे रابطہ कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिन व्यूवर्स को इनकी जो यूनिट है उसका डोरी पसंद आई है, तो वो अगर इनसे रابطہ करना चाहते हैं तो हम उनको नंबर, इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर दे रहे हैं। तो इस नंबर पर आप रابطہ करके इनसे आप माल बिल्टी करवा सकते हैं, किसी भी शहर से रابطہ कर सकते हैं आप। अब तो माशाल्लाह आप जिस तरह आप YouTube पे ये वीडियो लगा रहे हो, तो ये तो लाखों लोग आपकी वीडियो देखते हैं माशाल्लाह। आपके चैनल को अल्लाह और तरक्की दे। तो हमने ये बिल्कुल परफेक्ट रेक्स हमने अपना बता दिया हुआ है। अगर किसी को यकीन है तो वो ये शहर में बैठ के बिल्टी लगवा सकता है, अगर नहीं तो यही ड्रेस पे आके देख ले, हम उस ड्रेस पे ही बैठे हुए हैं। जो कारोबार है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है जितनी भी हम पहुंचा सकते थे हमने पहुंचाई है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको इससे कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें हम आपको दिखाएँगे कि आपने आपको हम मास्क बनते हुए दिखाएँगे, इस डोरी को पंच करते हैं मास्क पर कैसे, वो हम सब दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।